लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नतीजों से पहले ही राजनीतिक दलों में वाक युद्ध भी शुरू हो गया है। नतीजे आने से पहले ही सत्ता और विपक्ष के बीच बयानों का दौर भी जारी हो गया है। चुनावी नतीजों को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं तो अपना अपना राग अलापना राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया है। नतीजों से पहले ही सभी दल कह रहे हैं कि हार जीत को लेकर यह गुड़ाभाग लगाया जा रहा है। सभी दलों में रायशुमारी का सिलसिला भी जारी हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में भी पार्टियां जुट गई हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के दौरान सामने आने वाली मुश्किलों पर भी नतीजों के बाद चर्चा होगी, यानी 23 मई को नतीजे आने, उसके बाद चर्चा होगी। हरियाणा बीजेपी एग्जिट पोल में बंपर जीत मिली है, सरकार की यह उपलब्धि मानी जा रही है। 5 साल हरियाणा में विकास का नतीजा है जीत, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं, महेश कुमार जुड़ चुके हैं, तो पहले देवेंद्र के पास चलेंगे। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र, सवाल यही है कि इस बार जो इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल अभी बता रहे हैं, नतीजे सामने नहीं है, जो एक रुझान कह रहे हैं कि बीजेपी 10 में 10। देवेंद्र, बिल्कुल आदित्य, देश के राजनीतिक इतिहास में देखें तो बीजेपी की जब सरकार, ये 5 साल के बाद वो सरकार दोबारा नहीं आई, लेकिन इस बार होता ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार रिपीट करिए केंद्र में। राज्यों में तो बीजेपी सरकार कई मरतबा बनी है, हैट्रिक भी हुई है, आप मध्य प्रदेश देखें और आप छत्तीसगढ़ देखें, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार दूसरी बार रिपीट हो रही है, ऐसा पहली दफा देश के राजनीतिक इतिहास में हो रहा है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए, तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी की संभावित वापसी हो रही है और नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेता के रूप में उभर रहे हैं। हालांकि 23 मई को परिणाम सामने होंगे, जब सारी पिक्चर क्लियर होगी। उसके बावजूद जो अनुमान है वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है और नरेंद्र मोदी सशक्त नेता बनकर एक बार फिर प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे निकल चुके हैं। जी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस कह रही थी कि हम लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे, लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस की जो स्थितियां बनी पूरे देश की, अगर बात करें 2018 के चुनाव की अगर बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान को छोड़कर, तो बाकी जगह कांग्रेस की स्थितियां वैसी की वैसी बनी रही 2014 के बाद। और अगर हम हरियाणा की बात करें, जिस तरह मेयर के चुनाव हुए, उपचुनाव जिनका देखने को मिला, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कह रहे हैं, कांग्रेस कहीं से भी अपने इन नतीजों को लेकर और एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए इनसे संतुष्ट नहीं होगी? देखिए, केंद्र के स्तर पर अगर बात करें तो साफ तौर से जो आम जनता बोल रही थी वो सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी चुनौती नहीं दे पाए। अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई और मंजा हुआ अगर नेता होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को बतौर प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने में जनता को कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, ये केंद्र के स्तर की जो स्थिति है वो मैं सामने रख रहा हूं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा में एक जाति विशेष को लेकर जिस तरीके की दबंगई और जिस तरीके का जो रिसोर्सेज थे, चाहे वो नौकरियों की बात की जाए, चाहे वो टेंडर्स की बात की जाए, चाहे वो बिजनेस की बात की जाए, तमाम वो चीजें कहीं ना कहीं केंद्रित हो रही थी एक जाति विशेष के पक्ष में, क्योंकि पहले जिस तरीके से चौधरी बंसीलाल जो है वो हरियाणा के अंदर राज करते रहे, उसके बाद 10 साल के करीब जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री रहे, और इसके अलावा प्रकाश चौटाला भी लगातार राज करते रहे। एक जाति विशेष का जो प्रभुत्व और जो प्रभाव पड़ता जा रहा था, वही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की। और साफ तौर से मैं ये कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा था, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने का काम किया गया। चाहे भिवानी की बात की जाए, हम मूड ऑफ इंडिया 2019 कार्यक्रम के तहत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे थे और साफ ये बात कह रहे थे कि उन्हें धर्मवीर सिंह पसंद नहीं है, बतौर सांसद उनका रिपोर्ट कार्ड 0 रहा है, लेकिन चूंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है तो ऐसे में वोट उन्हें देना पड़ेगा, पार्टी की तरफ से ऑफिशियल उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह की स्थिति का सामना जो है अंबाला में भी देखने को मिल रहा था। तो साथ और से ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट को वोट नहीं दिया गया, जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया गया। जींद बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए तो जींद बाई इलेक्शन के में भी जिस तरीके से जाट और गैर जाट का जो कार्ड था वो वहां पर साफ तौर से जो है
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा था। और साफ तौर से एक बात और जो है अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक पंजाबी मुख्यमंत्री के रूप में कई सारे सवाल जो है वो सामने आ रहे थे, किस तरीके से हरियाणा जो कि एक जाट बहुल प्रदेश है किस तरीके से हरियाणा की राजनीति को वो चला पाएंगे। लेकिन अब जो वोटिंग पैटर्न हमने देखा, तमाम जो अलग अलग पोलिंग बूथ थे अलग अलग इलाकों में जहां भी पंजाबी वोट की बहुलता थी, 6:30 बजे से ही जो पंजाबी वोटर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तमाम दूसरी जातियों के वोटर्स नहीं थे, लेकिन जो पंजाबी वोटर्स हैं बड़ी से बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पोलिंग बूथ पर 6:30 बजे पहुंच चुके थे और सबसे पहले ही पंजाबी वोटर्स ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश की और अधिकतम की तरफ से, या मैं कहूं कि सर्वाधिक जो ओपिनियन निकलकर सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे, मनोहर लाल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका फायदा हरियाणा के स्तर पर मनोहर लाल को आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और केंद्र के स्तर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोटिंग है वो देखने को मिली है। जी देवेंद्र, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अग्नि परीक्षा थी एक तरह से देखा जाए सीएम की, और सीएम जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं, सीएम ये सोच रहे होंगे कि अब जो मेरी अग्नि परीक्षा थी उसमें मैं पास होता नजर आ रहा हूं, उस परीक्षा में पास होता नजर आ रहा हूं और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो भी मेरे लिए आसान होता दिख रहा है। देखिए आदित्य, आज मुख्यमंत्री रोहतक मीटिंग में जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने आज मीटिंग बुलाई थी रोहतक में, विधानसभा चुनाव की तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए पानीपत रुके थे। मैंने खुद उनसे बात की, मुख्यमंत्री बहुत रिलैक्स नजर आ रहे थे, मैंने शायद इतना रिलैक्स पहले उनको नहीं देखा, मोड में थे, मुस्कुरा रहे थे। उनका ये कहना था, पहले हमने फरीदाबाद नगर निगम जीता, गुरुग्राम जीता, उसके बाद 5 नगर निगम जीते, जींद उपचुनाव जीता और अब लोकसभा हम उम्मीद कर रहे थे और दावा भी कर रहे थे कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे और वही एग्जिट पोल्स के जो चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं, टोटल टीवी ने भी दिखाया कि एक तरह से क्लीन स्वीप है बीजेपी का हरियाणा में। तो मुख्यमंत्री काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि हमने जो पारदर्शिता के तरीके से नौकरियां लगाई हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है, ऑनलाइन सेवाएं की हैं, समान विकास किया है, गरीब आदमी की उसका विश्वास जाग गया सरकार के प्रति, जिसके पास पहुंच पैसा पैर भी नहीं थी, उसका वो सरकारी सिस्टम तक उसकी पहुंच हुई है, नौकरियां मिली है खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मुख्यमंत्री आज खुश नजर आ रहे थे कि हमने जो प्रयास किए वो रंग ला रहे हैं और अब विधानसभा की बारी है। उन्होंने माना कि जो जो चुनाव पिछले चुनाव होते हैं उसका असर अगले चुनाव पे पड़ता है, उन्होंने आज दावा कर दिया कि विधानसभा भी हम 70 सीटें लेकर विधानसभा में जीत हासिल करेंगे और बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनेगी। जी चलिए महेश आपके पास आते हैं। महेश, साफ तौर पर देखा जाए तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो 2014 का जो चुनाव था, बीजेपी एक तरह से कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही थी, कांग्रेस साथ थी और ये देखा जा रहा था अन्ना आंदोलन भी काफी मुखर रूप से सामने आया था, इसलिए कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ और बीजेपी से एक उम्मीदें थी। 2014 की जो लहर थी वो पत्रकार गढ़ भी कह रहे थे और सभी कह रहे थे कि 2019 में वो लहर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हरियाणा के खास तौर पर हम बात करें तो हरियाणा 2014 में 7 और 2019 में 10 पहुंच रही। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था और साफ वो ये बात कर रहे थे कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, जिस तरीके से विपक्ष खत्म हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। तो साथ से नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर खुद वो लोग ये बात मान रहे थे कि जितने वायदे किए गए थे डिलीवरी उतनी नहीं हो पाई, लेकिन जनता को एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन की उम्मीद यहां पर नरेंद्र मोदी से है, यही वजह कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग नरेंद्र मोदी के पक्ष में की गई, वरना जो वायदे नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए थे उनकी डिलीवरी की अगर बात की जाए तो वो वायदे पूरे नहीं किए जा सके और जनता तक जो डिलीवरी उन वायदों के पूरा होने के जरिए की जा सकती थी वो वायदे पूरे नहीं किए गए। अभी भी नरेंद्र मोदी को जो वोट मिला है वो उम्मीद का वोट मिला है, एक विश्वास का वोट मिला है कि इन 5 सालों में अगर नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए तो शायद अगले 5 सालों में देश की जनता के लिए वो सब कुछ किया जाए। तो ये साफ तौर से कहा जा सकता कि जो विपक्ष की कमजोरी है वो कहीं ना कहीं केंद्र के स्तर पर अगर बात करें तो राहुल गांधी की कमजोरियों का फायदा यहां पर नरेंद्र मोदी को मिलता है और अगर हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर पीएम नरेंद्र मोदी अब एग्जिट पोल के बाद लग रहा है कि बनी रहे हैं, उसमें कहीं कोई शक की स्थिति नहीं बची है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनते हैं तो साफ तौर से हरियाणा का जो चुनावी दंगल है बेहद आसान मनोहर लाल खट्टर के लिए हो जाएगा, क्योंकि पहले से यह कहा जा चुका है कि बीजेपी अगर दोबारा से पावर में आएगी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही रहेंगे। हरियाणा की स्थिति में भी वही तमाम चीजें देखने को मिलती है कि विपक्ष इतना कमजोर है, संगठन के लिहाज से प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर को बनाया गया लेकिन
अशोक तंवर के इस कार्यकाल में संगठन जो है कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है, और ना तो वो जिलाध्यक्ष बना पाए हैं, ना मंडल अध्यक्ष बना पाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वो पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं। एक एक पेज पर उनके जो पन्ना प्रमुख है वो अपनी भूमिका निभाने और संभालने का काम करते हैं। मंडल अध्यक्ष तमाम जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में उनके काम कर रहे हैं, और भीतरघात जैसी कोई स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी में पैदा नहीं होती। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो भीतरघात सबसे बड़ा जानलेवा जहर कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होता है। उसके अलावा संगठन के लिहाज से पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कोलैप्स कर चुकी है, और बतौर प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। अब उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि हरियाणा में जो हालात वो समझ रहे थे उससे बेहद खराब हालात यहां पर पैदा हो चुके हैं। और यहां पर कांग्रेसियों के भीतरघात की अभी अगर बात की जाए तो हालात बेहद प्रतिकूल थे, खिलाफ थे कांग्रेस पार्टी के, बावजूद इसके कुलदीप बिश्नोई जो है इस तरीके के बयान सामने रखते हैं। आखिर में सबसे ज्यादा जब राहुल गांधी का कार्यक्रम सामने आता है उस कार्यक्रम में वो शरीक होते हैं और बयान ये देते हैं कि राहुल गांधी के अलावा वो किसी को नेता नहीं मानते। तो ऐसे में हिसार सीट पर अगर उन्हें ये लगता है कि तमाम कांग्रेस पार्टियों को जिस तरीके से आखिरी वक्त पर जो है वोट जो टिकट का डिक्लेरेशन है वो हिसार सीट पर देखने को मिला, उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर जो है कुलदीप बिश्नोई को, उनके बेटे भव्य बिश्नोई को सामने आया, क्योंकि टिकट के डिक्लेरेशन में काफी ज्यादा देरी की गई। और उसके पीछे की वजह वही है कि गुलाम नबी आजाद चूंकि बस लेकर निकले थे, और बावजूद इसके राहुल गांधी के कार्यक्रम में ही कुलदीप बिश्नोई शरीक होते हैं, उससे पहले वो कहते हैं वो किसी को नेता नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, अगर एक चर्चा जरूर करें कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद जब हरियाणा में चुनाव हुए तो ये देखा गया वहां कि वो मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव हुआ था, तो क्या इस बार स्थितियां कुछ उलट होंगी, क्योंकि इस बार मनोहर लाल चेहरा है और विधानसभा चुनाव होना है, तो इस बार क्या बीजेपी मोदी के चेहरे पर आएगी या मनोहर के चेहरे पर आएगी, क्योंकि मनोहर के चेहरे पर ही बीजेपी आएगी, जो कामकाज था 5 सालों का वही रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा जनता के सामने। देखिए आदित्य, मई 2014 में जब मोदी चुनाव हुए थे लोकसभा के, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहली रैली करनाल में हुई थी, मेरे को याद है। 10 लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बन चुके थे तो हरियाणा का दौरा किया, 10 लोकसभा क्षेत्रों में एक एक रैली की, किसी विधानसभा में नहीं गए थे वो, आसपास के जिलों को वहीं बुलाया गया। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जोड़ा, उन्होंने याद किया कि इन्हीं गलियों में, इन्हीं शहरों में मैं घूमा हूं, याद कराया कि फलां शहर में फलाना व्यक्ति था, मैं उसको मिला, उनके घर में रुका, हमारी ये बातचीत हुई। एक तरह से उन्होंने अपनी बातों से पूरे हरियाणा के लोगों को जोड़ दिया था। उनको ये लगता था जैसे मैं आपकी गली मोहल्लों से, आपके बीच से निकला एक व्यक्ति हूं जो आज प्रधानमंत्री बनकर फिर आपसे अपील कर रहा है कि हरियाणा में भी आप सरकार बनाइए। तो बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि मनोहर लाल पूरी तरह से संगठन के व्यक्ति थे सरकार चलाने का, और पहली दफा वो एमएलए बने, पहली दफा मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। शुरू शुरू में उन पर उनको ताने भी दिए गए कि नौसिखिया मुख्यमंत्री है, इनको कुछ नहीं पता प्रशासन का। वो जब सरकार बनी तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा हाथ उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। अब चूंकि हालात हरियाणा में बदल चुके हैं, मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने भी अच्छे काम किए हैं, उनको तारीफ मिल रही है लोगों की कि अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, वो सीख गए। वो खुद भी कहते हैं कि मैंने अब अपनी गाड़ी को टॉप गियर में लगा दिया, अब गाड़ी स्पीड से दौड़ रही है। तो नरेंद्र मोदी जैसा कि आसार है, पूरे संकेत है, प्रधानमंत्री बनकर हरियाणा में फिर आते हैं और वो फिर लोगों को बताएंगे कि मैं हरियाणा का प्रभारी रहा हूं। मुझे याद है 1996 से 1999 जब बंसीलाल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, शराबबंदी एक बड़े मुद्दे पर सरकार बनी थी, तो उस टाइम प्रदेश के प्रभारी नरेंद्र मोदी थे, हरियाणा में प्रदेश प्रभारी थे, और संगठन मंत्री मनोहर लाल थे। दोनों एक स्कूटर पर घुमा करते थे, गांव गांव शहरों शहरों में जाते थे, देर रात मंदिर में आकर दरी पर सोते थे, और मनोहर लाल खुद अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर नरेंद्र मोदी को खिलाते थे। वो चीजें लोगों के जहन में है। तो प्रधानमंत्री फिर बनकर अगर एक बार हरियाणा में आते नरेंद्र मोदी, तो लोगों के सेंटीमेंट्स तो वो उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे कि मैं हरियाणा का हूं और एक बार फिर आपके पास आया हूं। सरकार ने, मनोहर लाल सरकार के बारे में अक्सर प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री है, ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा ने कभी नहीं देखा, तो उनकी तारीफ भी करते हैं। अगर दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर वो हरियाणा में आएंगे तो मेरे को यकीन है, और मनोहर लाल सरकार ने भी चूंकि अच्छा काम किया, लोगों का विश्वास जीता है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जो गरीब बच्चे हैं, एक एक घर में दो दो तीन तीन भाइयों को नौकरी मिली, एक परिवार में जिनकी पहुंच पैरवी पैसा कुछ नहीं था, लेकिन वो आज बीजेपी के गुण गा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हरियाणा जीतना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल। महेश, अगर बात करें कांग्रेस की, तो एक ही सीट थी जो गढ़ था कांग्रेस का, अगर वो भी कांग्रेस ना जीत पाई तो कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मनाक हार हो सकती है।
देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जो खतरनाक वक्त है वो सामने आ रहा है। हरियाणा के अंदर कोई ऐसा बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं बचा है जिसे आजमाने का काम राहुल गांधी की तरफ से ना किया गया हो। रणदीप सुरजेवाला को जींद के चुनावी रण में आजमाया जा चुका है। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई चूंकि खुद स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे थे तो उनके बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में आजमाया जा चुका है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव, कोई अगर किरण चौधरी की बात की जाए तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी, कोई ऐसा कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बचा है जिसे लोकसभा के चुनावी रण में नहीं उतारा गया। और नवीन जिंदल चूंकि इनकार कर चुके थे तो इस वजह से वो चुनावी मैदान से खुद को उन्होंने दूर बनाए रखा। लेकिन जो ताकत है, चाहे नवीन जिंदल की भी अगर बात की जाए, तो वो चुनावी मैदान में उनकी ताकत को आजमाया गया था तो तमाम चीजें पूरी तरीके से ध्वस्त साबित हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को यहां चिंतन करना पड़ेगा। और जो आप रोहतक सीट की बात कर रहे थे, ऐन वक्त पर जो उस चुनाव में जो तब्दीली देखने को मिली वो तब्दीली ये थी कि रोहतक और सोनीपत के चुनाव को जाट और गैर जाट के चुनाव में तब्दील कर दिया गया था और इसी का नुकसान यहां पर जो है राहुल ये माफ कीजिएगा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उठाने का उठाना पड़ा था। और साफ तौर से कह सकते हैं कि अब अगर रोहतक भी ध्वस्त हो गया तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहद खतरनाक जो स्थिति है वो सामने खड़ी है। जी मतलब देवेंद्र कह सकते हैं गुलाम नबी आजाद का वहां उतरना, राहुल गांधी का वहां बस यात्रा में शामिल होना और रणनीति तैयार करना कि इस बार हम अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में करेंगे, सब फेल साबित हुआ। देवेंद्र देखिए आदित्य, मेरे को याद है 1.5-2 महीना पहले की बात है जब एकता के नाम पे बस में तमाम बड़े नेता घूमे थे हरियाणा में, लोगों से अपील, लोगों को लगा था कि कांग्रेस वापसी कर सकती है क्योंकि उस वक्त तक बीजेपी के खिलाफ ही थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी। जब कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद जो प्रभारी है हरियाणा के उनके नेतृत्व में निकले, जोश था भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, अशोक तंवर में, किरण चौधरी में, तमाम बड़े नेता थे। लेकिन 1.5 महीने में सारी स्थिति बदल गई। अब जो चीजें सामने आ रही है, आज भी मैं कई कांग्रेस नेताओं से मिला, उनका यह कहना था कि संगठन नाम की चीज नहीं थी और अशोक तंवर के करीबी लोग जो उनका झंडा उठाए हुए हैं आज भी, आज वो मांग करने लगे कि अशोक तंवर को हटा दिया जाए। आज कुछ कांग्रेस नेताओं से बात, उनका यह कहना है कि अशोक तंवर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, 5 साल में वो जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाए, संगठन नाम की चीज नहीं थी। जिस दिन चुनाव था करनाल सीट में मैं घूमा, कांग्रेस के स्टॉल पर कोई आदमी नहीं खड़ा था या कोई कोई मतलब संगठन नाम की चीज नहीं थी, तमाम मतलब निराशा की स्थिति थी। तो संगठन ना होना मैं समझता हूं बहुत बड़ा नुकसान कर गए। ये ऊपरी बनावटी एकता थी जो बस में घूमे थे, अपील हुई थी, राहुल गांधी को दिखाया गया था कि तमाम नेता एक है और हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो दावे ध्वस्त हो गए हैं और संगठन पूरी तरह रसातल में चला गया है कांग्रेस का। उसके विपरीत बीजेपी ने शुरू से ही बैठ के फैसले लिए, इंप्लीमेंटेशन हुआ, बूथ लेवल तक की प्लानिंग हुई, सब कुछ तमाम योजनाबद्ध तरीके से हुआ और कांग्रेस आज मुंह की खाती हुई नजर आ रही है। एक आध सीट आ भी सकती है लेकिन उसके भी आसार कम लग रहे हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के आए हैं। तो मेरे को लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी निराशा की स्थिति है और होना हुआ अशोक तंवर को तुरंत अब बदला जाएगा। जी नहीं महेश, एक बात का जिक्र अगर ना करें, डेरा का जिक्र अगर हम ना करें हरियाणा के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, डेरा कहते हैं कि डेरा जो है काफी जो है अहमियत रखता है चुनाव में और जिस तरफ डेरा जाता है, एकजुट होकर जाता है, तो वहां उस पार्टी को जीत सुनिश्चित होती है। तो इस बार कोशिश अशोक तंवर की भी थी कि वो पहुंचे, डेरा पहुंचे भी, उन्होंने बात भी की, वहां उनकी पत्नी भी पहुंची। क्या लगता है डेरा कहां गया? देखिए डेरे की तरफ से निसंदेह जो वोटिंग है वो अशोक तंवर के फेवर में की गई है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में की गई है। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त ऐसा था जब जिन लोगों को चिन्हित किया गया था वोट डलवाने की जिम्मेदारी जो डेरा के प्रमुख जो ओहदेदार थे उनके जिम्मे ये काम दिया गया था। और 2 से 3 घंटों का वक्त ऐसा था जब उन लोगों को एक तरीके से मैनेज किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया और एक मिस कम्युनिकेट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2 से 3 घंटों का वक्त ऐसा रहा जब डेरा के अनुयायियों की तरफ से जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में की गई, बाकी जो मैक्सिमम जो वोटिंग है वो डेरा समर्थकों की तरफ से जो है अशोक तंवर के समर्थन में की गई है। और यही वजह है कि उनका जो रिपोर्ट कार्ड है पहले से कहीं बेहतर नजर आएगा।
जो परफॉर्मेंस के लिहाज से कह सकते हैं कि पहले से कहीं बेहतर नजर आएगा। ये मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि डेरे की जो वोट है, सिरसा की अगर बात की जाए तो चार डेरे वहां पर हैं, ना सिर्फ डेरा सच्चा सौदा, क्योंकि उनके अनुयायियों की संख्या लाखों करोड़ों की तादाद में, तो ऐसे में सबसे बड़ा नाम डेरा सच्चा सौदा है। उसके अलावा डेरा भूमन शाह और दो अन्य डेरे जो है वो सिरसा की जमीन पर है, तो ऐसे में चारों के चारों जो ये डेरे हैं, चारों डेरों का समर्थन अशोक तंवर के पास था। डेरा सच्चा सौदा का समर्थन भी अशोक तंवर के पास था, बावजूद इसके वो चुनावी मैदान में जीत की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। जी चलिए देवेंद्र, एक चर्चा और करनी जरूरी होती है, क्योंकि नई पार्टी जन्मी थी इस बार लोकसभा चुनाव में, लड़ रही थी जेजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिला था, गठबंधन के साथ वो मैदान में उतरी थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि पार्टी के अस्तित्व पर थोड़ा खतरा जरूर मंडराने लगा, क्योंकि पहला चुनाव जिनका उपचुनाव भी लड़ा, बड़े नेता लड़े, उनको भी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद लोकसभा चुनाव जहां खाता भी खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, और अब आगे विधानसभा चुनाव है। देवेंद्र देखिए आदित्य, जेजेपी की बात करें, करीब 5 महीने पहले ये पार्टी बनी है, बड़े जोशो खरोश के साथ बनी थी, और इनेलो के जो बड़े नेता थे, बहुत सारे नेता छोड़कर जजपा में ज्वाइन कर गए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय में दोनों में लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को लगा कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये आगे चलकर हरियाणा का भविष्य, और दुष्यंत चौटाला के बारे में तो ये कहा जाने लगा था कि ये जाटों के सबसे बड़े नेता हो सकते हैं आगे चलकर, तो उनको उम्मीद की किरणें नजर आ रही थी, इसी वजह से उन्होंने जजपा का हाथ थामा। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कोई, हालांकि वोट अच्छे ले जा सकते हैं लेकिन सीट कोई नहीं आ गई, इस तरह का अंदेश है। दूसरी बात, कुछ राजनीतिक पंडित हैं जिनको हरियाणा की सियासत की तासीर का पता है, हरियाणा की सियासत की नब्ज को जानते हैं, उन लोगों ने मेरे से चर्चा में कहा कि आप देखना विधानसभा में कांग्रेस, बीजेपी और जजपा, ये तीन पार्टियां प्रमुख होगी और त्रिकोणीय संघर्ष होगा। मैं भी मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में जजपा मजबूत पार्टी के रूप में सामने आ सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर उसकी जैसे अच्छी वोट नहीं मिलते कैंडिडेट्स को, या दिग्विजय जिस तरीके से वो अपनी धमक उन्होंने दिखाई थी जींद उपचुनाव में, सेकेंड नंबर पर रहकर भी वो अपनी जीत मान लेते, अगर सोनीपत में कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो मेरे को लगता है इनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका भरोसा जागे गाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस, बीजेपी और जजपा, ये त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा। ये राजनीति, हरियाणा की राजनीति को जानने वाले या वो लोग मान लेके त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा, और जजपा भी मुकाबले में कहीं कहीं रह सकती है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर जो